लॉकडाउन में कई बेसहारों को भोजन के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन के चलते दिगर राज्यों में कई लोग फंसे हुए हैं। अब लॉकडाउन में मिली ढील के बाद लोग अपने गृह राज्य वापस आना शुरू किया है। सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार प्रवासी मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पिछले 47 दिनों से कोंटा स्थित मणिकेश्वरी मंदिर ट्रस्ट और अन्य राज्यों से आ रहे मजदूरों को भोजन यहाँ करवाया जा रहा है। काम के लिए अन्य राज्यों में गए श्रमिक कोरोना संकट से परेशान हैं। इनमें अधिकांश लोगों को फाके की नौबत है। कई लोगों के पास खर्च के लिए अब रकम नहीं है और किसी के पास है भी पर होटल बंद पड़े हैं। इन कठिन परिस्थितियों में मणिकेश्वरी ट्रस्ट हर किसी को दो वक्त के भोजन की व्यवस्था करवा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भरपेट भोजन दोनों समय मिल रहा है, जिससे ये परेशान लोग थोड़ी बहुत राहत की सांस भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि कोंटा के मणिकेश्वरी का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। ये शिवालय मनोकामना रूपी मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इस मंदिर में जिस भक्त ने जो भी मांगा उसे जरूर मिला है। जब भी कोई आपदा का दौर आता है, यहाँ से हर ज़रूरतमंद को मदद जरूर मिलती है। ट्रस्ट के सदस्य विजय का कहना है कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा इस मुश्किल की घड़ी में मंदिर में दान स्वरूप अन्न और राशि भी दी जा रही है। सभी लोगों की सहायता से ही ट्रस्ट के सभी लोग मिलकर आपदा में फंसे निसहाय लोगों को भरपेट भोजन करवा रहा है। ट्रस्ट की मंशा है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले कोई भी भूखा न रहे। छत्तीसगढ़ का अंतिम क्षेत्र सीमावर्ती इलाका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगा हुआ कोंटा एक मणिकेश्वरी धरती के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध इलाका में जो जब से यहाँ संक्रमक बीमारी के कोरोना को लेकर लोग बाग लगातार पैदल चल के इस सीमावर्ती इलाके से आ रहे हैं और यहाँ जो कोंटा नगर में जो पीड़ित है मजदूर वर्ग के लोग जो काम दाम पूरी तरह से टप बैठा था, उन परिवारों को हमने मणिकेश्वर शिव मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से प्रतिदिन भोजन खिलाना और आने पैदल चल के आए लोगों को भी हम भोजन की व्यवस्था करके लगातार 47वां दिन है आज हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और मजदूर एकदम ही मतलब गरीब तत्व के लोग हैं, जिनके पास ना खाने के लिए पैसा है ना जाने के लिए साधन है। तो ऐसे गरीब परिस्थितियों को देखते हुए और हम एक ऐसा संकल्प लिए हैं कि मंदिर की ओर से और जो प्रति व्यक्ति मतलब यहाँ से कोंटा नगर से भूखा ना जाए, ऐसा एक हमारा सोच था। इस सोच के साथ हमारे बहुत से मतलब यहाँ व्यापारी बंधु और प्रशासन के माध्यम से या अन्य किसी एक जो गरीब तत्व के गरीब लोगों के लिए जो मदद करने सामने आते हैं, ऐसे लोग दान के रूप में हमको यह सहयोग दिया गया। उन्हीं के माध्यम से हम लोग आज हम उन सभी लोगों को भोजन खिलाने के पात्र बने हैं। जिला प्रशासन ने यहाँ 4 क्वारंटाइन सेंटर भी बना रखे हैं, जहाँ लोगों की प्राथमिक जांच की जा रही है, साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन काफ़ी संख्या में मजदूरों के हर दिन आने से ट्रस्ट के सदस्य सभी को राहत पहुँचा रहे हैं, जिससे लोगों को सुकून मिल रही है। देश टीवी के लिए कोंटा से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।